लाखों छात्र छात्राओं को अब बैंकों की तरह अपने प्रमाण पत्र डिजिटल लॉकर में रखने का प्रावधान हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड करने जा रहा है। डिजिटल लॉकर में रखे छात्र छात्राओं के प्रमाण पत्र दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर एक क्लिक पर देख पाएंगे। ऐसी सुविधा देने वाला हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड देश का पहला राज्य बन जाएगा। इस नई योजना को प्रारंभ करने वाले मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दो संस्थाओं के अधिकारियों ने धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा बोर्ड के समक्ष इस योजना को प्रारंभ करने के लिए डेमोंस्ट्रेशन दे दिया है। अब शिक्षा बोर्ड मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए सोच रहा है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बलबीर तेक्ता ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और इस योजना पर विचार कर जल्द ही समझौता कर योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल लॉकर के लिए शिक्षा बोर्ड छात्रों को यूजर नेम और पासवर्ड देगा, जिसके लिए लॉकर खोलने के लिए छात्रों को शिक्षा बोर्ड से पासवर्ड लेना होगा, तभी लॉकर खुलेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल लॉकर में रखे प्रमाण पत्र सभी सरकारी महकमों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में मान्य होगा। उन्होंने बताया कि थर्ड पार्टी भी आवेदन भेजकर डिजिटल लॉकर में छात्रों के प्रमाण पत्र सत्यापित कर सकेगी। एक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के लोग, एक कॉरपोरेशन जो भारत सरकार ने बनाई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तत्वाधान में ये कॉरपोरेशन बनाई गई है। इन लोगों के कुछ प्रतिनिधि प्रस्ताव वहाँ से आए थे, तो उस पर हमने काफ़ी देर से उस पर हम विचार कर रहे थे। और ये जो इन्होंने एक सुविधा प्रदान कर रहे हैं डिजिटल लॉकर्स की, इसमें जो छात्रों के सर्टिफिकेट्स हैं और दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर रहेंगे, और कोई भी छात्र या थर्ड पार्टी के लोग जो इसको यूज़ करना चाहेंगे, इस इंफॉर्मेशन को, वो इसको यूज़ कर लेंगे, कर सकेंगे। और उसके लिए हम नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के जो लोग हैं, इनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, और हम कुछ एक अरसे में एक पायलट बेसिस पे इसको शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए हम एक MOU इनके साथ दस्तखत करेंगे, एग्रीमेंट हम एक साइन करेंगे, जिसमें ये डिटेल में प्रावधान हम करेंगे कि बोर्ड का क्या रोल रहेगा और ये जो सेंट्रल एजेंसीज हैं जो इसको ऑपरेट, जो डेवलप करेंगे इसको और रख रखाव इसका करेंगे, इनका क्या रोल रहेगा। तो ये सारा इसके बारे में अभी हम विचार कर रहे हैं और जल्दी ही हम इसको पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट को हम ले लेंगे। इसकी सबसे बड़ी सुविधा ये है कि जो कोई भी छात्र अगर इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स देखना चाहेगा या कोई दूसरी थर्ड पार्टी की कोई एजेंसी उसमें वेरिफिकेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट उसका देखना चाहेगी, वो बोर्ड की अनुमति से इसको देख सकेगा। और उनको हम, जो छात्र हैं उनको हम एक उसको ऑपरेट करने के लिए पासवर्ड और आईडी हम दे देंगे, और वो उसके थ्रू उसको ऑपरेट करेगा और बोर्ड में अनुमति के लिए आएगा, और हमारे से अनुमति लेने के बाद वो उसको ऑपरेट कर पाएंगे। थैंक यू सर।